मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने सीजेएम कोर्ट में स्टालिन के खिलाफ परिवाद दायर कराया है। इस मामले पर कोर्ट आगामी 18 मार्च को सुनवाई करेगी। दरअसल कटरा थाना क्षेत्र धनौर निवासी वेद प्रकाश ने विभिन्न धाराओं के तहत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है। दायर परिवाद में आरोप लगा है कि तमिलनाडु में रह रहे बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है और हत्या के बाद उनके शवों को गायब कर दिया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को उनका शव तक नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही परिवाद दायर करने वाले वेद प्रकाश ने बिहार सरकार और भारत सरकार से यह भी आग्रह किया है कि उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु में फंसे बिहारियों को वापस लाने की व्यवस्था की जाए। बता दें कि विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट और हत्या की खबरें सामने आ रही है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने पूरे मामले को झूठा और भ्रामक बताया है। बिहार सरकार ने एक स्पेशल टीम को जांच के लिए तमिलनाडु भेजा है। मामला क्या बात है? कल हम लोगों ने सुबह सुबह जब अखबार और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को देखने और पढ़ने का कार्य किया तो काफी प्राथमिकता से और प्रमुखता से यह खबर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक खबरों में प्रकाशित थी कि तमिलनाडु में बिहार समेत हिंदी भाषी और हिंदी पट्टी के लोगों के साथ जानलेवा हमला और लगातार मारपीट उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। जब हम लोगों ने इस विषय में समस्त जानकारियां इकट्ठा की, हम लोग जन अधिकार पार्टी के स्तर से जब पूरे मामले की तहकीकात हम लोगों ने किया तो यह प्राप्त हुई कि लगातार 12-14 लोगों को फांसी लगा दी गई है। मजेस्टिक में कल गाड़ी पकड़ के मजदूर जो 10-12 की संख्या में आ रहे थे उन्हें गांजा तस्कर कह के उनके बदन से एक एक कपड़े को उतार दिया गया और लगातार इस प्रकार की खबरें विभिन्न क्षेत्रों से मिलती रही है। परंतु बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना है कि हमारे बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जो बिहार के बिहारी और बिहारियत का हत्यारा है एमके स्टालिन, उसके जन्मदिन पर वह जाकर के केक काटने का कार्य कर रहे हैं और बिहार और बिहारी और बिहारियत के नाम पर वोट लेकर के वह हत्यारे का प्रवक्ता बन के बिहार के सदन में यह कहने का कार्य करते हैं कि यह वायरल वीडियो गलत है। सबसे पहले जन अधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर लोकतांत्रिक इनके इस बयान का घोर शब्दों में निंदा करती है और अपनी घोर आपत्ति दर्ज करती है। हम लोगों ने आज मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में बिहारियों के हत्यारे एमके स्टालिन के खिलाफ मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय में कोर्ट परिवाद दर्ज किया है और हम लोगों ने अपील किया है कि मामला बहुत गंभीर है, राज्य की और राज्यवासियों की हालात अच्छी नहीं है, माननीय न्यायालय महोदय आप अविलंब इसको अपने ध्यान में लें और आवश्यक कार्रवाई करने का कार्य करें। वेद प्रकाश जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर। पर हुआ क्या आरोप लगे? वेद प्रकाश जी जो इसके मुदई हैं और उन्होंने परवादी दायर किया है सीजीएम कोर्ट में, जो अगली सुनवाई 18/3/23 को रखी गई है। इसमें धाराएं इस प्रकार है 323, 324, 307, 302, 420, 120 बी, 366 ए। इसमें इसलिए इन धाराओं में लाया गया है कि कुछ मारपीट करके कुछ जघन्य हत्या भी हुई है, उसका अपहरण हो गया है, जो डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिल पाया है, यह कहते हुए कि हिंदी वासी बिहार वासियों का अपमान हो रहा है, इससे आहत होकर के इन्होंने मुकदमा दायर किया है जिसकी अगली सुनवाई 18/3/23 को रखी गई है। क्या पर्चा? मनोज कुमार सिंह, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। लक्स कलेक्शन बाय रॉयल प्ले, ग्लैमरस, एंचांटिंग, इंट्रिकेट, बिस्पोक वॉल फिनिशेस for modern homes. Go beyond the realm of paint and explore the possibilities of innovative wall textures. Choose these elegant textures from a range of shades.